जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस का जो वेटेज है मेरे भाई, आपका सीपीओ है, सीजीएल है, जितना भी एसएससी का पैटर्न होगा उसमें 100% क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्री का ही भाग है, थोड़ा सा इसमें प्रयोग करेंगे हम लोग। बस याद रखें, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ इसके बारे में। आज हम बेस के बारे में पढ़ेंगे और कल फुल मेरे भाई चैप्टर के बारे में हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। देखिएगा यहाँ पर लिखा है हाइट एंड डिस्टेंस। मैं इसके बारे में बेसिकल बातें बताता हूँ आपको, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस है लिखा गया है, तो आपसे पूछा जाए हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका हीरो जो रहा होगा, इसका जो हीरो है वो हमारे पास में टेन और भैया कोट है। टेन और क्या है? कोट है। जिसको इसकी वैल्यू याद होंगी, याद रखिएगा कितने वैल्यू होती है, 30 या 45, 60 और 90। 0 और 90 तो खत्म ही हो गया। तीन लोगों की वैल्यू आपको याद करनी है और हाइट एंड डिस्टेंस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमारे पास लिखा है टेन है, ये 0 है, ये 30 है और ये 45 है, ये 60 है और ये कितना है? 90 है। हमें इनकी वैल्यू लिखनी है। तो हमने बताया टेन में मेरे भाई 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। 30 की वैल्यू 1/√3, और आप बताएंगे 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1। और रूट मेरे भाई 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। और इसकी वैल्यू होगी इनफाइनाइट। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कोट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। क्या होता है? कोट टेन का उल्टा होता है। तो अब यहाँ पर उल्टा करेंगे, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। अभी हमने बताया इनके मान हम पहले ही बता चुके हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में बस इन दो लोगों के बारे में ही हमें पढ़ना है। आगे हम लोग कंसेप्ट ऐसे बताएंगे जिसमें आपके हर सवाल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बार बस आप लोग मेरे भाई प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे भाई आसानी से ये होते चले जाएंगे। अब मेरे भाई कुछ इसके बारे में नेक्स्ट बताते हैं भैया। नेक्स्ट में क्या है? हमने बताया अगर एंगल की बात आती है, देखिएगा एंगल है, ये नीचे से आदमी देख रहा है, यहाँ पर क्या है? ये व्यक्ति है, ठीक है ना। ये कोई क्या है? मकान। मकान का ऊपरी हिस्सा है, ये नीचे से ही देख रहा है, ठीक है ना। ये इसकी आंखें हैं, ये इसको देख रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा इसका नाम होता है उन्यन कोण। क्या होता है इसका नाम? याद रखना, जैसे भी आ जाए उन्यन कोण। कहीं कहीं मेरे भाई इसे बोल देते हैं एंगल, एंगल ऑफ मेरे भाई एलिवेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आप लोग इस तरीके से याद रखना। कहीं कहीं इसे मेरे भाई क्या है, उनतास कोण भी बोलते हैं। उनतास कहने का मतलब है जैसे ही ऊ से वर्ड स्टार्ट होगा, समझ लेना व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है इसमें दो एंगल होते हैं, एक तो उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। क्या होता है दूसरा पॉइंट भैया? अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेप्रेशन, ठीक है। ये आपका मेरे भाई पॉइंट है। आप देखेंगे अवनमन का मतलब है बंदा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। आप लोग इसे इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आप जब देखेंगे इसे, ये भी क्या है? एंगल है। अब के कहाँ देख रहा है बंदा? ऊपर से देख रहा है। ये इसकी आंखें हैं, ये इससे इस तरीके से देख रहा है, और ये एंगल क्या है? इक्वल है। होंगे दोनों एक कोण क्या है? इक्वली होंगे, लेकिन बशर्ते पे याद रखना अवनमन कोण का मतलब है वो ऊपर से देख रहा है, उन्नयन का मतलब है बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। होंगे दोनों एंगल ही बराबर, लेकिन जब आप लोग मेरे भाई हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूं फिगर बनाने में ये बहुत ज्यादा आपका हेल्प करेगा। याद रखें इस बात का, ये आपको इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है कि आपको पता होना चाहिए। उन्नयन कोण का मतलब है बंदा नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, अवनमन कोण का मतलब है बंदा ऊपर से नीचे तरफ देख रहा है, लेकिन एंगल दोनों बराबर होंगे। तो पैरालाइन पैरालाइन होती है दोनों की दोनों ही, तो उनके बीच में कोण कैसे होते हैं मेरे भाई? बराबर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट बताया है अभी आपको, फिर नेक्स्ट में बताते हैं कि इसके कंसेप्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर भाई पॉइंट आता हमारे पास में, अब हमारे पास में पॉइंट क्या आएगा कि अगर हमारे पास में थीटा का कोण मेरे भाई कितना है? 30 है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर 30 है, अगर हमारे पास में थीटा क्या दिया हुआ है आपका मेरे भाई? 30 दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि सामने वाला क्या होगा? 1 होगा और नीचे वाला √3 होगा,
याद रखना रूल है ही, पहला अगर हमारे पास एंगल का मान मेरे भाई 30 दिया हुआ है तो सामने वाला क्या होगा, एक होगा, और नीचे वाला √3 होगा। अगर मेरे भाई थीटा बराबर मेरे भाई कितना दिया है, 60 दिया है, तो आप लोग बताएंगे, आप लोग क्या बताएंगे भैया इसमें, मेरे भाई थीटा बराबर मेरे भाई कितना है, 60 है, तो सामने वाला √3 होगा और नीचे वाला क्या होगा, एक होगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ये दूसरा पॉइंट है। आपने बताया थीटा का मान मेरे भाई 60 है तो सामने वाला √3 होगा, नीचे वाला कितना होगा, एक होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर हमारे पास में आता है, कहता है कि अगर थीटा बराबर 45 हो तब क्या करेंगे भाई, तो आप लोग बताएंगे कि अगर थीटा का मान मेरे भाई कितना है, 45 है, तो सामने वाले दोनों क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बोलते हैं, एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई 10√3 है, 10√3 है, एक व्यक्ति मीनार के ऊपरी भाग से साठ अंश के उन्नयन कोण पर है, मीनार से दूरी बता दो, मीनार से दूरी बताइए, मीनार से दूरी बताइए, मीनार से दूरी बताइए। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे भाई। अब इसने बोला हमारे पास में ये सवाल है, अब यहाँ पर जिसका फिगर बन जाएगा उसका खेल खत्म। अभी आपने बताया मेरे भाई 60 है, तो आप बताएंगे सामने वाला √3, नीचे वाला क्या होगा, एक होगा। अब हमारे पास में ये इतना ना कहकर, √3 ना कहकर, इसके पास में 10 भी लिख रहा है, क्योंकि ऊंचाई कितनी दिखा रहा है, 10√3 है, तो आपको यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मीनार से दूरी जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी भैया, वो 10 मीटर आ जाएगी, कितने मीटर आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये इस वाली फिगर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर थीटा का मान 30 है, सामने वाला एक होगा, नीचे वाला √3 होगा, 60 में सामने वाला √3 होगा, नीचे वाला कितना, एक होगा, 45 में क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर देखिएगा नेक्स्ट सवाल में क्या है हमारे पास में, अगर हम 30 के ऊपर कोण लेते हैं, अगर हमारे पास 30 है और यहाँ पर इसने बोला है एक व्यक्ति मीनार से, एक व्यक्ति मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है, दूरी पर है, मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई बताइए, ऊंचाई बताइए, तो आप लोग क्या लिखना पसंद करेंगे भाई इसमें, याद रखिएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, हमने फिगर बनाना है, खेल खत्म हो जाएगा यहीं पे। आप लिखेंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30, तो आप बताएंगे ये दूरी जो होती है, ये सामने वाला एक, नीचे वाला √3 होगा। अब हमारे पास में मेरे भाई क्या दिया हुआ है, इसने इसने यहाँ पर √3 नहीं दिया हुआ है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 30 है, 30 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, 10√3 √3। अब हमारे पास क्या बचता है, आप लोग इसको देखिएगा, अब आपके पास जो बच रहा है, इसको छोड़ने के बाद जो बचा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, तो आप बताएंगे ये मीनार की ऊंचाई, ये क्या है, यही मीनार की क्या है, ऊंचाई है। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये थीटा बराबर मेरे भाई 30 से सामने वाला क्या होगा, एक होगा, नीचे वाला √3 होगा, √3 के स्थान पर कितना दिया, 30 दिया, 30 को हमने 10√3 √3 में तोड़ दिया, और जो √3 के बाद जो बचा उस मेंबर को यहाँ पे लिख दिया, ये क्या आ गई, इसकी ऊंचाई आ गई, ये मीनार की क्या आ गई भाई, ऊंचाई आ गई। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब आता है इसमें नेक्स्ट टाइप क्या होता भैया, इसमें आप लोग को याद रखना है, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति मीनार से
60 अंश का कोण 60 अंश के उन्नयन कोण पर स्थित है, उन्नयन कोण पर स्थित है, पर स्थित है। फिर इसने बोला है वह मीनार से 30 मीटर दूर, 10 मीटर दूर चला जाता है, तो उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। तो आप बताइएगा मेरे भाई, मीनार की ऊंचाई बताइए भैया, मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई बताइए, ये आपको बताना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें हम लोग किसका फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। आप लिखना डी बराबर होता है इसमें एच कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। याद रखना ये जो फॉर्मूला लिखा है ये मेरे भाई सेकंड टाइप मान के चलिएगा, सेकंड टाइप मान के इसमें चलिएगा। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं भैया यहाँ पर, पहले मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे कैसे हमें करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, बंदा पहले यहाँ पर खड़ा था अब यहाँ पर चला गया, मतलब ये डिस्टेंस जो है 10 मीटर दी गई है। कितने मीटर दी गई है? 10। तो ये कोण जो है मेरे भाई 30, 60 था अब हो गया 30, तो व्यक्ति अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये मीनार की ऊंचाई है जो क्वेश्चन मार्क हमारे से पूछ रहा है। मीनार से व्यक्ति मेरे भाई 60 अंश के कोण पर था, अब मेरे भाई मीनार से 10 मीटर दूर चला गया, तो मेरे भाई अंश कितना हो गया? 30 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग क्या लिखना पसंद करेंगे इसमें? 10, ये वाला फॉर्मूला डी मतलब इनके बीच का मतलब डिस्टेंस। उसके बाद में एच हमें पता नहीं है, यहाँ पर थीटा जो होता है थीटा 1 होता है छोटा कोण, छोटा कोण, ठीक है ना भाई। कोट मेरे भाई कितना लिख देंगे बच्चे? तो हम लिख देंगे इसे कोट, कोट 30 माइनस कोट मेरे भाई कितना है? 60। तो आपके पास में 10 है, आप लिख रहे हैं सर इसे मेरे भाई कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1/√3। तो यहाँ पर देखेंगे 3 एकम कितने हो गए? 3 में 3 जोड़ने, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा एच बराबर 2/√3, ठीक है। 2 से 10 जाएगा कितनी बार भैया? 5 बार, और रूट मेरे भाई आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा? एच। तो ये आपका मान हो जाएगा, एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये सबसे वीआईपी सवाल रहा, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे भाई व्यक्ति मीनार के दोनों साइड में होगा तो यहाँ पर सिंबल बस प्लस का हो जाएगा, इससे ऊपर इसमें सवाल नहीं पूछ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो छोटा मोटा क्वेश्चन जो है इससे पूछेगा, जिसमें मैंने पहले टाइम में बताया अगर थीटा का मान मेरे भाई 30 है तो आप बताएंगे कि मेरे भाई सामने वाला 1 होगा, नीचे वाला कितना होगा? √3 होगा। आप जानते हैं लंब और आधार की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना मेरे भाई, लंब मतलब परपेंडिकुलर होगा और आधार का मतलब बेस होगा, ठीक है। उसकी बात हमने यहाँ पर की है, जब एक व्यक्ति मेरे भाई कितना है, पहले मीनार से 60 अंश के मेरे भाई किस पर है? उन्नयन कोण पर स्थित है, और मीनार से 10 मीटर दूर चला गया, तो मेरे भाई कितना हो गया उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? तो ये बता रहा 30 हो जाता है, कितना हो जाता है? 30। तो मीनार की ऊंचाई आपको यहाँ पर बतानी थी। इस टाइप से हमने दूसरा टाइप बताया है, पहले टाइप में थीटा बराबर 30 और मेरे भाई थीटा बराबर मेरे भाई 60 और थीटा बराबर 45, और ये बताया है जब मीनार से वो दूर जाएगा या मेरे भाई क्या है, मीनार की पास में जाएगा। याद रखें जब भी हम किसी मेरे भाई क्या है ऑब्जेक्ट के मेरे भाई पास में होंगे तो थीटा का जो एंगल होगा मतलब जो थीटा जो बनेगा वो ज्यादा होगा, याद रखना। आपकी निगाहें ऐसे चली जाएंगी ना ऊपर को होती हुई, तो याद रखना एंगल बड़ा होता है, दूर वाला एंगल छोटा रखना है आपको, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई फिगर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट होगा इसमें, लास्ट पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास में दो खंबे हैं, सपोज करिए दो खंबे हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिखे गए हैं, ये खंबा नंबर 1 है और ये खंबा नंबर मेरे भाई क्या है? 2 है। खंबा नंबर क्या है भाई? 2 है, ठीक है, आप इस तरीके से लिख रहे हैं। अब जो इनके बीच का जो मेरे भाई क्या है, आप दिख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है, हमने डी मान लिया इसको, और ये कह रहा है जी यहाँ से जो एंगल बन रहा है एक दूसरे के आधार से जो एंगल बनना थीटा 1 और मेरे भाई कितना है थीटा 2, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ही बना है ये थीटा 1 और मेरे भाई कितना थीटा 2,
ये जो बना हुआ है एक दूसरे के पूरक हैं। क्या वर्ड लिखा आएगा? एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक ये वर्ड लिखा है, आप लोग जब पढ़ोगे इसमें, ठीक है। अब जो पहला खंबा था इसकी ऊंचाई कितनी है? H1, और दूसरे वाले की मान लीजिएगा H2। तो याद रखिएगा ये वर्ड लिखा आएगा तीसरे वाले टाइप में, क्या लिखा आएगा कि दो खंबे हैं उनके आधार के जो कोण बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि वे एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। वे एक दूसरे के क्या हैं बच्चे? पूरक हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको बोला है, तो हमारे से मेरे भाई डी का जो मान आएगा वो अंडर रूट H1 और H2 में यहाँ पर आएगा। पिछले साल की अपेक्षा ये क्वेश्चन मेरे भाई सबसे ज्यादा पूछा गया है, मतलब 2 साल पहले लगातार ये मेरे भाई क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट मेरे भाई क्या ऊंचाइयां दे सकता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास में, हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर हमने लिया पहले वाले की मेरे भाई हमने लंबाई ले ली, ये लिखा गया है। सपोज कीजिएगा यहाँ से ये ऐसे बने हुए हैं, H1 की वैल्यू दे दी 16 और H2 की वैल्यू दे दी 9, ठीक है। और D आपसे पूछ लिया गया, D आपसे पूछ लिया गया, तो आप लोग इसमें क्या बता रहे हैं भाई? तो आप बता रहे हैं D का मान जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा? 16 × 9 होगा। 16 निम्मा कितने होते हैं भाई? 144। तो D का जो मान होगा वो 12 होगा। D का मान जो होगा वो क्या होगा? 12 होगा। तो एक लाइन में आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। जितने मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए हैं आज मेरे भाई, आप याद रखना हाइट एंड डिस्टेंस में टाइम, और मेरे भाई याद रखना टैन और कोट जो हीरो होते हैं। उसके बाद में 2 रूल हैं, टैन और कोट का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि हमने इसमें मेरे भाई उनकी वैल्यू से ही मेरे भाई निकाला है कि सामने वाला 1 होगा, नीचे वाला √3 होगा। 45 में दोनों इक्वल होंगे, लंब और आधार दोनों इक्वल मानने पड़ेंगे। अगर हमारा एंगल 60 है तो सामने वाला क्या होगा मेरे भाई? लंब मेरे भाई √3 होगा, और बेस जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। फिर दूसरा कंसेप्ट बताया, जब मीनार से वो दूर जाएगा या पास आएगा, उस तरीके क्वेश्चन बताया। और ये मेरे भाई लास्ट पॉइंट था जिसमें मेरे भाई हमने बताया कि दो हमारे खंबे हैं और वे एक दूसरे के आधार पर अपना कोई एंगल बनाते हैं, जो एंगल का मतलब एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। तो हम लोग उसे कैसे लिखेंगे? उनके बीच का डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? डी बराबर अंडर रूट H1 × H2 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई आज हमने आपको बेसिकल बताया हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है ना। इसके आगे जब हम लोग मेरे भाई कोई भी हम एक्सरसाइज कराएंगे, तो आपको ये वाली एक्सरसाइज मेरे भाई करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सवाल चाहे कैसा बना लेना, पेड़ टूट जाता है आंधी में, कैसा भी है, आप लोग देखेंगे कि इससे ऊपर सवाल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए विशेष ध्यान रखना। तो आप लोग मेरे भाई कोशिश करेंगे कि मेरे भाई ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल 2 सेकंड में आप आराम से कर सकते हैं आप लोग मेरे भाई, ठीक है। नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।